नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फैंटेसी गली की तरफ से। इस बार वीडियो है भारत बनाम अफगानिस्तान, जो खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम में अबू धाबी में। और ये मैच वैसे तो वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत क्रूशियल है। जितने भी नकारात्मक थॉट्स है आप फिलहाल उन्हें हटा दीजिए कि भारत आगे पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल भारत को जीत की आवश्यकता है, वो उस हिसाब से सोच रहे होंगे। आपको फैंटेसी पॉइंट्स की आवश्यकता है तो ये वीडियो जो है आपको उसी दरकार में आपकी मदद करेगी। फिलहाल भारत बनाम अफगानिस्तान है, यहां इस वीडियो में आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट मिल जाएगा, शाम का मैच है 7:30, यानी ओस तो रहेगी, वही तो मेन टॉकिंग पॉइंट है इस पूरे वर्ल्ड कप का। उसके बाद किस तरह की टीम कॉम्बिनेशन आपको लेनी चाहिए, स्पिनर्स या फिर फास्ट बॉलर, मिडल ऑर्डर, किस तरह की कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद किस तरह की इन्वेस्टमेंट, लो मीडियम हाई, और किस तरह के कॉन्टेस्ट, और एंड में कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस। तो प्लीज जैसे आप हमेशा करते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं कार्तिक अय्यर और चलिए देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो मैच होने वाला है उसमें कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अबू धाबी के पिच के बारे में बात करेंगे। देखिए वर्ल्ड कप जो है 3 वेन्यूज पे खेला जा रहा है, सुपर 12, उसके पहले तो ओमान में भी खेला जा रहा था, लेकिन ये जो सुपर 12 वाले मुकाबले हैं वो अबू धाबी, शारजा और दुबई में खेले जा रहे हैं। भारत ने अपने पहले दो मैचेस दुबई में खेले हैं, दोनों में हार प्राप्त की, और अब वो जा रहे हैं अबू धाबी के मैदान में। अब अबू धाबी जो है दुबई से बेटर पिच लगती है, बेटर बैटिंग कंडीशंस नजर आती है, लेकिन द होल थिंग इज दैट के भैया बैटिंग फर्स्ट करोगे तो आपको नुकसान है। लेकिन ये होता है अगर दो बैलेंस टीम्स खेल रहे हैं। हाँ, ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम बन गई है, लेकिन जब भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर मैच हो रहा हो तो आप 90% एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत ही मैच जीतेगा, क्योंकि भारत के पास बेटर बैट्समैन है और बेटर बॉलर्स है। ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन पोटेंशियल है खेमे में। तो डेफिनेटली आप भारत से चाहिए तो 7 प्लेयर्स ना लें, लेकिन भारत से ज्यादा प्लेयर्स लें, 6 भारत से और 5 अफगानिस्तान से। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करेगा क्या आप भारत से बैट्समैन लोगे? बिल्कुल बिल्कुल आप लोगे, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत बार जो बाहरी चीजें हैं ना वो बैट्समैन पर प्रेशर भी डालती है और कभी कभी बैट्समैन से अच्छे परफॉर्मेंसेस भी निकालती हैं। अब बहुत लोगों को ऐसे लग रहा है कि भारत जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गया है या फिर हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर भारत अपने अगले 3 मैच अच्छे रन रेट के साथ जीते तो फिर भारत अभी भी सेमीफाइनल तक पहुंचने के ख्वाब जो है बरकरार रख सकता है। ऑफकोर्स एक मैच बीच में आएगा, यहाँ पर न्यूजीलैंड को एक मैच हारना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात की बात है। लेकिन तो वो मैं पॉइंट इसलिए उठा रहा हूं कि क्योंकि भारत के पास ये जरूरत आन पड़ी है कि उन्हें अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, तो बैट्समैन आपके लिए ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो प्लीज आप भारत से बैट्समैन जरूर लीजिएगा, बॉलर्स में आप अफगानिस्तान से स्पिनर्स लीजिएगा और तेज गेंदबाज भारत से लीजिएगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको इंडिविजुअली पॉइंट्स दे सकते हैं। ओके, तो विकेट कीपर ऑप्शंस में चलिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो एमएस और दूसरे हैं ऋषभ पंत। एमएस कौन? एमएस धोनी? नहीं, ये अफगानिस्तान के एमएस है, मोहम्मद शहजाद, जिनके आइडल है एमएस धोनी। उनके वजन पर ना जाइए, उनके शारीरिक वजन पर ना जाइए, लेकिन उनका जो बल्ला और जो उनकी कीपिंग है उनसे जो आपके फैंटेसी पॉइंट्स के वजन बढ़ सकते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आप दोनों कीपर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं, मोहम्मद शहजाद एंड ऋषभ पंत। मोहम्मद शहजाद क्योंकि ये ओपनिंग आते हैं अफगानिस्तान के लिए और अच्छे फॉर्म में भी लग रहे हैं। अगर उनके प्लेयर कार्ड पे मैं नजर मारूं, देखिए नामीबिया के विरुद्ध उन्होंने 70 अंक दिलाए थे और उसके पहले स्कॉटलैंड के विरुद्ध उन्होंने 40 अंक दिलाए थे। और क्योंकि ये अफगानिस्तान इंग्लैंड के पहले से एकमात्र टीम है जिन्होंने शाम के मैचेस में पहले बल्लेबाजी करके जीत हासिल की है, और ये शौक से पहले बल्लेबाजी करते हैं, यानी इन्हें पहले बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है। तो ये भी आपके लिए एक इंडिकेशन है कि चाहे टॉस पे कुछ भी हो, चाहे मोहम्मद नबी टॉस जीते या फिर विराट कोहली टॉस जीते, 90% अफगानिस्तान ही पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि ड्यू हो या ड्यू ना हो
उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं गिरता, उन्हें बैटिंग फर्स्ट ही करना है। और भारत को जिस हिसाब से बैटिंग फर्स्ट भारी पड़ा है, भारत चाहेगा कि वो चेज करे। चेज करने से क्या होता है कि अगर अफगानिस्तान को कम स्कोर पे सीमित कर दिया और फिर उसे अच्छे मार्जिन से जीत लिया, मान लीजिए 100 रन पे रोक दिया, 110 पे रोक दिया और उसे 10 या 12 ओवर में जीत लिया भारत ने, तो फिर भारत का रन रेट जो है बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप मोहम्मद शहजाद को अपनी टीम में रख सकते हैं। और ये जो मैं रन रेट बढ़ाने की बात कर रहा था, उसके हिसाब से आप ऋषभ पंत को भी अपने टीम में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद भारत जो है अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ टिंकर करे, क्योंकि भारत का जो एक लक्ष्य तो होगा जीत पर, लेकिन एक दूसरा लक्ष्य भी होगा कि किस तरह से रन रेट जो है बढ़ाया जाए। तो ऐसे में ऋषभ पंत थोड़े फ्लोटिंग रोल पे हो सकते हैं। हो सकता है अगर जल्दी विकेट गिरे तो विराट कोहली आ जाए नंबर तीन पर, अगर जल्दी विकेट ना गिरे तो फिर शायद ऋषभ पंत भी आ जाए नंबर तीन या नंबर चार पर, वो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गए आपके विकेट कीपिंग ऑप्शंस। वहीं पर चलते हैं हमारे बैटिंग ऑप्शंस पर। तो भाई भारत की कोई भी हालत हो, आप इस प्लेयर को तो टीम से बाहर रख ही नहीं सकते। पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने दर्शा दिया कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी किस तरह से बल्लेबाजी की जानी चाहिए। फॉर्म में है खिलाड़ी, 10 की क्रेडिट है, 9 की फैंटेसी गली रेटिंग है, प्लीज आप इन्हें बिंदास अपनी टीम में ले लीजिएगा। वहीं पर लेकिन अगर एक क्वेश्चन थोड़ा जरूर रखिएगा कि क्या चेजिंग के टाइम पे इन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली चेज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का फोकस रन रेट बढ़ाने पे रहेगा, हो सकता है अगर अफगानिस्तान को कम स्कोर पे रोक दिया गया तो फिर शायद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए ही नहीं, उनको भेजे आगे ईशान किशन या फिर सूर्य कुमार यादव, जो भी अच्छी बल्ले फॉर्म में हो, या फिर हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, क्योंकि ये अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं, वो थोड़ा जरूर ध्यान में रखेगा। वहीं पर दूसरे ओपनर है केएल राहुल, इन्हें तो ये तो भाई जबरदस्त फॉर्म में है, 33 रन दिलाए थे इन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध, 9.5 की क्रेडिट और 7.6 की फैंटेसी गली रेटिंग। आप चाहे भारत पहले बैटिंग करे या दूसरी, आपको इन्हें अपनी टीम में लेना ही लेना चाहिए। और तीसरा नाम है अफगानिस्तान की तरफ से हजरतुल्ला जजाई, थोड़ा आड़ा तेरा शॉट्स मारते हैं, प्लेजेंट टू दी आई नहीं है, लेकिन ये आपको पॉइंट्स देंगे, और आपको पॉइंट से मतलब है स्कॉटलैंड के विरुद्ध 63 और नामीबिया के विरुद्ध 49, अगर इनका बल्ला बोल पड़ा तो फिर ये आपको भर भर के पॉइंट्स दे सकते हैं। तो हजरतुल्ला जजाई आपके फैंटेसी में हजरत ला सकते हैं, प्लीज इन्हें अपने टीम में बिठा लीजिएगा। वहीं पर ऑलराउंडर्स के तौर पर सबसे पहला नाम तो आ जाता है मोहम्मद नबी। देखिए फॉर्म देखिए, पाकिस्तान के विरुद्ध 81, नामीबिया के विरुद्ध 61, इनका भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा फ्लोटिंग है, ये कभी 4 पर, 5 पर, 6 पर आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है। और जैसे कि मैंने कहा, इनका पर्सनल प्रेफरेंस है ये बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहते हैं, ताकि ये जो 15 ओवर के बाद जो है एक्सेलरेट करना चाहे। और नामीबिया के साथ बिल्कुल उन्होंने वही किया, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने वही किया, तो फिर ये अच्छे फॉर्म में है, गेंदबाजी भी अच्छे फॉर्म से कर रहे हैं, तो नाभी को आप ना भी ले तो नहीं चलेगा, नाभी को लेना ही पड़ेगा। वहीं पर भारत के तौर तरफ से आप हार्दिक पांड्या को कंसिडरेशन में डेफिनेटली लाना ही पड़ेगा। ये भूल जाइए कि हार्दिक पांड्या किस फॉर्म में गुजर रहे हैं या फिर क्या उन्होंने अभी तक किया या नहीं किया है, आप ये सोचिए कि भारत ये टारगेट करेगा, अगर पहले ही बल्लेबाजी कर रहा है तो लास्ट के 5 ओवर में 60-70 रन बनाने हैं तो रन रेट बढ़ेगा, तो फिर हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वहीं पर अगर चेज कर रहे हैं, हो सकता है हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जाए बैटिंग करने के लिए, ताकि ये अगर 20 बॉल भी खेल ले और उसमें 40-50 रन मार ले तो फिर आपके ऑफकोर्स भारत की चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे, आपके भी फैंटेसी में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इन्होंने गेंदबाजी की, 1-2 ओवर किए तो इन्हें विकेट्स भी मिल सकते हैं, मैन विद द गोल्डन आर्म है। अब आते हैं गेंदबाजों की तरफ, भले ही ये इवनिंग मैच है और नॉर्मल सिनारियोज आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गेंदबाज ज्यादा ले, लेकिन क्योंकि मैच थोड़ा अजीब है, यहाँ पर बैटिंग फोकस में आएगा तो आप बैट्समैन ज्यादा भी ले सकते हैं। वैसे बॉलर्स की तरफ से एक नाम तो पहले ही आ जाएगा, राशिद खान, भाई अफगानिस्तान के ट्रम्प कार्ड है ये, भले ही इनके पॉइंट्स जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये भारत को थोड़े प्रॉब्लम्स कॉज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर क्या होता है कि राशिद खान को बैट्समैन जो है ऑपोजिशन बैट्समैन डिफेंड कर लेते हैं, उन्होंने मारने नहीं जाते, तो 4 ओवर 17, 4 ओवर 20 या 4 ओवर 18 और बिना एक या मैक्सिमम 2 उससे ज्यादा विकेट्स नहीं देते। लेकिन इस स्टेज में क्या होगा कि भारत
ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि राशिद खान को मारे ही नहीं तो उन्हें 16 ओवर में जितना रन बनाने हैं उतने बनाने होंगे, तो फिर वो राशिद खान को अटैक करने जाएंगे और अटैक करने गए वहीं पर राशिद खान को विकेट्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। और अगर राशिद खान बल्लेबाजी करने भी उतरे तो फिर अच्छे रन भी बना सकते हैं, तो राशिद आपकी राशि में फिट बैठेंगे। दूसरे स्पिनर है मुजीबुर रहमान, ये भी अच्छे मिस्ट्री स्पिनर है, स्कॉटलैंड के विरुद्ध बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा खेल खेला था पिछले मैच में। ये थोड़े ऐसे रंग में नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़े इंजोर्ड थे, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं, लेकिन ओनली इफ अफगानिस्तान जो है पहली गेंदबाजी कर रही है, अगर सेकंड गेंदबाजी कर रही है प्रेफरेबली आप इन्हें ना लें क्योंकि ड्यू जो है इनका साथ नहीं देगा। वहीं पर फास्ट बॉलर्स में भारत की तरफ से आप जसप्रीत बुमराह को बिंदास ले सकते हैं, वो अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों पर ये प्रेशर रहेगा कि तेज गति से बल्लेबाजी करनी है, अच्छा स्कोर खड़ा करना है, वही गेंदबाजों पर भी ये प्रेशर रहेगा कि जल्द से जल्द विकेटें लेनी है ताकि हम बड़े मार्जिन से जीत सकें या फिर अफगानिस्तान को कम स्कोर पर रोक सके। वहीं पर जसप्रीत बुमराह आपके लिए डेफिनेटली काम में आएंगे, और मैन विद द गोल्डन आर्म शार्दुल ठाकुर तो है ही, अब लगता तो नहीं है इंडिया कुछ ज्यादा चेंजेस करेंगे क्योंकि अभी ये आए हैं भुवनेश्वर कुमार की जगह पर, तो शार्दुल ठाकुर तो बन ही जाएंगे टीम में। 8.5 की क्रेडिट है और 8 की फैंटेसी गली रेटिंग। अब और एक बल्लेबाज में आपके पास दो ऑप्शन है बल्लेबाज की श्रेणी में, एक तो है ईशान किशन, भूल जाइए कि ये लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे, वैसे विकेट फेंक कर गए थे, न्यूजीलैंड ने एक फील्ड सेटिंग की थी वहीं पर उन्होंने फील्डर की तरफ कैच लपका दिया था, लेकिन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और अगर इन्हें खिलाया गया तो फिर ये एक अच्छा एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकते हैं, तो ईशान किशन आपके लिए ट्रंप कार्ड बन सकते हैं ग्रैंड लीग में। वहीं पर दूसरा नाम है सूर्य कुमार यादव, ये पिछले मैच में खेले नहीं क्योंकि ये चोटिल थे, तो अगर ये भी आ जाते हैं तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग में डिफरेंशिएटर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस, अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो सेफ पिक्स में मैं कहूंगा एक तो सेफ पिक रहेगा आपके लिए विराट कोहली क्योंकि ये कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, राशिद खान नॉट अ बैड सेफ पिक क्योंकि ये आपको मिनिमम 2 विकेट्स तो निकाल के देते ही है। एक और सेफ पिक आपके लिए रहेगा मोहम्मद नबी क्योंकि ये गेंद और बल्ला दोनों के साथ फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पर रिस्की ऑप्शन में अगर आप चाहें तो ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव, दोनों में से किसी एक को अपना कैप्टन रख सकते हैं। हार्दिक पांड्या आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है, रिस्की है लेकिन ऑप्शन अच्छे हैं। और वहीं पर शार्दुल ठाकुर भी आपके लिए महफूल सजा सकते हैं। तो ये हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए प्लेयर सजेशंस। तो दोस्तों ये हो गए हमारे प्लेयर सजेशंस, कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। अब आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट पर और इन्वेस्टमेंट्स पर। इन्वेस्टमेंट्स में हम सजेस्ट करेंगे कि आप लो टू मीडियम ही रखें, ज्यादा कॉन्टेस्ट खेलें लो वाले, हेड टू हेड 2 लोग 3 लोग 4 लोग वाले जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और जहां पर कॉन्टेस्ट का सवाल है तो अगर आप फैंटेसी गली के साइट पे आएंगे, किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाएंगे तो आपको वहां पर एक कॉन्टेस्ट सेक्शन मिलेगा, वहां पर फैंटासिंग आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपको माउस से सिर्फ फैंटासिंग को यहां से वहां, वहां से यहां ड्रैग करना है, ड्रैग करने से रंग भी बदलेगा, बदलते रंग के साथ आपके लेफ्ट साइड में कॉन्टेस्ट बदलेंगे, वहीं आपके राइट साइड में अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाएगी। अगर आप माउस ओवर करेंगे फैंटा पर तो आपको ये भी बताया दिया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप प्लीज फैंटेसी गली को फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फैंटेसी गली के साइट पे आइए और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर आ गया है, नहीं तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, प्लीज लिंक पर क्लिक कर लीजिए और अपनी सहायता कर लीजिए। एक और फायदा है फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड करने से, जैसे ही फाइनल टीम्स अपडेट हो जाते हैं टॉस के बाद हमारे टीम्स के द्वारा, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन भिजवा देंगे कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। उससे होता क्या है, आपके पास 22 प्लेयर्स के ऑप्शंस रहते हैं चूज करने के लिए, जिसमें से आप 11 की टीम बनाएंगे, 11 के 11 खेल रहे होंगे और आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स तो कंफर्म मिल जाएंगे। अगर आप टॉस के पहले आते हैं तो आपके पास 40-45 प्लेयर्स के ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आप 11 बनाएंगे टीम, और ये जरूरी नहीं है कि सबके सब खेल रहे होंगे, वो आपके लिए एक थोड़ा रिस्की फैक्टर बन जाता है। प्लस अगर आप टॉस के बाद आते हैं तो आपके पास 10-10 कॉम्बिनेशंस मिल जाती हैं टीम बनाने के लिए, तो ये सब फायदा होता है फैंटेसी गली के साथ जोड़ने का।
तो आप हमारे शोज देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, वी लव यू फॉर दैट। प्लीज शोज देखते रहिए, हमारे शोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन उससे भी बढ़िया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं फैंटेसी गली की तरफ से नया वीडियो, फैंटेसी गली की तरफ से नया वीडियो। क्यों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आपको बस वही करना है, उस बेल आइकन पर क्लिक करना है, प्लस नीचे कॉमेंट सेक्शन है, प्लीज वहां पर अपने कॉमेंट्स जो है दर्ज कीजिए, हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे, हो सकता है हम आपके साथ वन ऑन वन शो भी करें, हम आपके थॉट्स जानना चाहेंगे और उस पर अमल भी करना चाहेंगे, तो प्लीज 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 अपने कमेंट्स जो है डालते रहिए। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आपसे विदा लेता हूं, ऑल द बेस्ट जब आप इस पर्टिकुलर मैच के लिए अपनी टीम बनाएं तब, नमस्कार।